हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिक्स, जो आपका सेकंड बुक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो सेकंड पार्ट है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में एक चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है काइनेटिक्स, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं और डायनेमिक्स से है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया था रेक्टिलिनियर मोशन का, अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम से एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन विच वेरीज यूनिवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहले पिछले वीडियो में भी कराया गया था, तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड डेंसिटी फोर्स म्यू, देन तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2π डिवाइड बाई रूट में म्यू। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ओ ए बी विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज जीरो वेलासिटी एट द पॉइंट ए कैपिटल ए एंड बी हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली एंड द वेलासिटी वी वेन हाफ वे बिटवीन देम इफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज टी देन। तो जो इस क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टी इज इक्वल टू बी पाई बी माइनस ए ब्रैकेट में डिवाइड बाई वी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एट टाइम टी इज एक्स देन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज। तो क्वेश्चन नंबर फोर में जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस म्यू एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। द स्पीड वी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स इज गिवेन बाई द रिलेशन वी स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर एट बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी टू 12 बी स्क्वायर। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक विद द सेंटर एट। इसका सेंटर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है, एक्स इजकल टू 4b। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी द वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए करेक्ट है, प्लस माइनस 1/2 ए रूट 3। ये भी क्वेश्चन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन। इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है लेमडा ए बाई स्मॉल ए बाई स्मॉल एल जो है यही क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग का हुक्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर एट देखिए। इफ एट एनी टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज एक्स देन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द, ऑप्शन नंबर इसमें पहला कह रहा है सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा कह रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ, थर्ड है सेंटर ऑफ अर्थ, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है सी करेक्ट है, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर हम लोग टेन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन क्या रहा है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलासिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ फोर्स एट द एंड ऑफ एम्पलीट्यूड पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर टेन का ए करेक्ट है, सेंटर ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस बाई द इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी देन इट्स डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज टाइम पीरियड इज।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी करेक्ट है, 2π डिवाइड बाई एन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड इज, फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन है डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम द सेंटर इज एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, ये तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, ये बताया था मैंने इक्वेशन पिछली वीडियो में, ए कॉस म्यू रूट म्यू टी। तो इस तरह से रेक्टिलिनियर मोशन काइनेटिक्स से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतना आपको करा दिया गया है। पिछले वीडियो में बताया कुछ क्वेश्चन कराया गया था, इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराया गया है, तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।